आज हम लोग बताने वाले हैं स्नीफिंग ट्रेनिंग, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डॉग को एडवांस स्नीफिंग सिखाई जाती है और कैसे वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है और ढूंढ के आपके पास लेके आता है। तो मैंने बेसिक मैंने वीडियो इसकी डाल रखी है, वो आप चैनल पर देखिएगा, मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ आज, तो उसको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। हम इस तरीके की ना नॉट्स लगा लेते हैं, जैसे ये लगाई हुई है मैंने, तो कपड़ों में ऐसे छोटे छोटे सेम तरीके के आप कोई भी हैंकीज़ या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं या सेम क्लॉथ्स यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए डॉग की कौन सा वाला रियल है। कलर चेंज नहीं होने चाहिए, सेम कलर के होंगे, वाइट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें हम लोग नॉट लगा देते हैं सिंपल, ओके। अब नॉट लगा के इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये 6 पीस हम लोगों ने रेडी कर लिए। अब ये एक जगह पड़े होंगे तो सेम दिखते हैं, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला रियल है या कौन सा वाला कैसा है, ठीक है। कौन सा डॉग को उठाना है, डॉग को इतनी समझ नहीं है कि मुझे ये उठाना है कि ये उठाना है, ये उठाना है, वो केवल स्मेल को पकड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा ना पता चल जाए, तो इसलिए मैंने इसमें एक सारे क्लॉथ्स की सेम नॉट रखी है, बट एक मोटी कर रखी है इसकी, यहाँ पे ज़्यादा मोटी इसमें, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि रियल क्लॉथ उठाया है, कोई फेक नहीं है, ठीक है, जहाँ की डॉग ने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है। आप लोगों की आइडेंटिटी के लिए मैंने ऐसा किया है, ओके, तो वो आपको पता चल जाएगा कि रियल उठाया कि नहीं। तो यहाँ इसकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। और इसमें क्या करेंगे, इस क्लॉथ में मैं इस पर परफ्यूम लगाऊँगा, ओके, जो कि स्मेल के साथ जिसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ डॉग को, तो उस वही वाला परफ्यूम इसमें यूज़ करेंगे। और अगर उसको सारे एक जगह पड़े होंगे तो वो अगर उठाना होगा डॉग को, तो जिसमें से स्मेल आएगी वो सूंघेगा और जिसमें से स्मेल आएगी खट से ग्रैब करके आपके पास ले आएगा। तो अगर इसने ऐसा किया तो एकदम ये सही है, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है। बट इसके स्टार्टिंग के लिए मैं जो जो स्टेप बताऊँगा वो फॉलो करने हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको एडवांस, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे क्लॉथ्स मेरे हाथ में हैं, यानी कि एडवांस स्निफिंग ट्रेनिंग सिखाने वाला हूँ। इसमें स्निफिंग में क्या होगा कि हम ये एक सारे सब एक जैसे हैं, अब इनको एक जगह में मिक्स करके जिसमें सर्च कराऊंगा, इसको स्मेल कराऊंगा, फिर उसके बाद बोलूंगा सर्च ढूंढ के निकालेगा इनमें से कौन सा वो वाला है जिसमें स्मेल आ रही थी जो मैंने इसको सुंघाई थी, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसीजर देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले इसको स्मेल, इस पर मैंने सेंट लगाया हुआ है तो इसको स्मेल कराना है। स्मेल, नो स्टे, स्मेल, नो स्टे, स्मेल, लीव इट, लीव इट, लीव इट, स्मेल स्टार्टिंग है तो इसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और पहले इसको मुंह बंद करना है, उसके बाद स्मेल और नाक के पास लगा के रखना है मुंह बंद कर, जिससे सांस ले तो नाक से ही ले पाए ये। उसके बाद फिर आगे क्या करना है आपको, ये बहुत सारे क्लॉथ हैं इसमें मिक्स कर लिए मैंने, सब एक जैसे बनाए हुए हैं, और इनको एक जगह जाके स्प्रेड कर देना है, ओके। जैसे कि कुछ पता नहीं है कौन सा वाला रियल है, वैसे मैं आपकी आइडेंटिटी के लिए बता दूं कि दिस वन इज़ स्मेल वाला है, ठीक है, इसमें स्मेल आ रही है। अब मैं बूज़ों को जाके खोलता हूँ और उसको सिखाना है कि कैसे वो सर्च करना सीखे, तो मैं इसको बांध के लाऊंगा अभी अपने पास, गुड बॉय। और जैसे जैसे इसको खोलने के बाद, पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है मैंने इसको, तो जैसे सर्च तो सिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं सर्च, ठीक है, तो निकाल के तो ले आता है ये, ठीक है, बट क्या है कि कौन सा वाला उठाना है इसमें से अभी, तो ये ट्रायल जो है आपको बांध के इस तरीके से करना है। नो नो नो, डोंट पुल, आराम से स्टे स्टे, रिलैक्स रिलैक्स, और इसको बोलना है सर्च सर्च, स्मेल सर्च, नो लीव, नो गलत उठाया, नो लीव इट, लीव, गुड, स्मेल, नो लीव इट, ये भी गलत है, स्मेल, गुड गुड, शाबाश, चलो चलो, गो इन, गो गो गो, शाबाश शाबाश, गो, गुड बॉय, गुड बॉय, शाबाश, स्टॉप, स्टे, लीव इट, लीव, और इससे लेके ट्रीट कर देना है, ओके इसको। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करानी है, और फिर इसको पता चलेगा कि मैं जो सही वाला उठाता हूँ तो मुझे ट्रीट मिलती है। अब आपको क्या करना है, इसके बहुत सारे रिपीटेशंस करने हैं, 4 या 5 बार आप ऐसा करेंगे। आप इसको बांध के भी कर सकते हो, मैंने केवल कॉलर पकड़ के ले गया, आप लीश में ले जा सकते हो,
और फिर इसके 4 से 5 आप रिपीटेशन करेंगे, समझ में आ जाएगा इसको, क्योंकि इससे पहले भी आपको स्निफिंग की प्रैक्टिस करानी है, जैसा कि मैंने एक वीडियो दे रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर सजेशन में दे दूंगा आई बटन पे, तो वहाँ से देख सकते हो। तो अब इसकी प्रैक्टिस के बाद उसको ओपनली विदाउट उसके दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी सी देर में, तो वो भी देखिए। अब इनको फिर से स्प्रेड कर दे रहे हैं यहाँ पे, और ये बड़ी वाली नोट वाला ये रियल है जिससे आपको पता चल जाए, तो उसको मैं यहाँ साइड में डाल दे रहा हूँ इस साइड में, जिससे कन्फ्यूज़न होता रहे उसको कि कौन सा वाला है। ठीक है, अब उसको बोलूँगा मैं सर्च एंड फाइंड, तो वो देखते हैं निकाल के लाएगा, अब इसको सर्च करेगा कि कौन सा वाला रियल है उसमें से, तो आप देखते रहिएगा। बूजो को मैं खोलता हूँ अभी, एंड बूजो गो, स्मेल स्मेल, स्मेल सर्च फाइन रियल फाइन फाइन गुड गुड शाबाश गुड बॉय शाबाश, लीव इट टेक इट लीव इट लीव गुड बॉय शाबाश। ये सही वाला लेके आया तो इसको मैंने ट्रीट कर दिया। ठीक है, इसने पहले सूंघे कई सारे एक एक करके उठाया, बट इसको जिसमें स्मेल आई इसने वो वाला लेके आया मेरे पास, और तो मैंने इसको ट्रीट कर दिया। तो इस चीज़ के आपको बार बार रिपीटेशन कराइए, परफेक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आप इसकी डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे 4 या 5 दिन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और आप बहुत सारे अगर जिस चीज़ के साथ प्रैक्टिस कराओगे, सेंट या स्मेल जिस चीज़ की प्रैक्टिस कराओगे उसके साथ करा सकते हो। इवन आपको अगर किसी चीज़ का, जैसे कि लोग जैसे ड्रग्स वगैरह का स्मेल कराते हैं ना, वो भी इसी ये बेसिक यही है इसका तरीका सिखाने का, और इसको बहुत परफेक्शन से एडवांस लेवल पर चला जाता है। तो आप आई होप कि ये वीडियो आप इन्जॉय करेंगे और अपने डॉग को सिखा पाएंगे। इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स में आपको हम आपके घर पर ही आपके फ़ोन पर ट्रेनिंग देते हैं, इसमें आपको कोई ट्रेनर नहीं लगाना होता, घर पर ही आपका डॉग सीख जाता है। इसकी डिटेल्स के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबरों पर हमें मेंबरशिप लिख के भेजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी सर्दियां आ गई हैं, तो हम लोगों ने एक गिव अवे का प्लान किया है। अगर जो हमारे चैनल को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा, और हमें कमेंट में जो अच्छे से अच्छा कमेंट करेगा और जिसका कमेंट हमें सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसको हम लोग गिव अवे करेंगे। और इसमें गिव अवे में एक डॉग क्लॉथ दिया जाएगा, डॉग का कोट दिया जाएगा, जो कि उसके डॉग के लिए हेल्पफुल होगा। सो अपनी कमेंट के साथ में डॉग ब्रीड का नाम और एज लिख के ज़रूर भेजें। तो इस वीडियो का जो भी विनर होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, उसका नाम ही हम अपने चैनल पे इस पे नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से बोलता हूँ, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।